अगर आप भी YouTube पर वीडियो अपलोड करते हो तो आपके सामने एक वहां ऑप्शन शो करता होगा, यहाँ आपको साइड में स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ऐसा कुछ आपको ऑप्शन शो करता है जब भी आप YouTube पर वीडियो अपलोड करते हो। तो आपके सामने दो ऑप्शन आते हैं, तो यह किस लिए होते हैं? एक तो होता है इट्स मेड फॉर किड्स, एक होता है नॉट इट्स नॉट मेड फॉर किड्स। तो यह ऑप्शन क्यों दिए जाते हैं, किसके लिए होते हैं और हमें कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए वीडियो अपलोड करते टाइम, अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। वीडियो शुरू होने से पहले बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना। तो फिर जब भी हम YouTube पर वीडियो अपलोड करते हैं तो यह ऑप्शन तो आपके सामने 100% आएगा ही आएगा, और बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए, कौन सा सही रहता है। तो आज के इस वीडियो में आपका यही डाउट क्लियर करने वाला हूं कि कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए और कौन सा हमें सिलेक्ट नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बता दूं, यह दो ऑप्शन आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं जब भी वीडियो अपलोड करते हो, तो बहुत ही खास तरीके के लिए दिए गए हैं। अगर आप इसमें से कुछ गलत सिलेक्ट कर देती हो, यानी आपको सिलेक्ट करना है इट्स मेड फॉर किड्स, आपने सिलेक्ट कर दिया नॉट इट्स नॉट मेड फॉर किड्स, तो आपकी वीडियो पर व्यूज बहुत डाउन आएंगे। क्योंकि सबसे पहले मैं बता दूं, यह दो ऑप्शन होते हैं आपका, एक तो होता है जो भी आप वीडियो बना रही हो, जो भी आप कंटेंट बना रही हो, वो एक है बच्चों के लिए, यानी जो भी आप कंटेंट वीडियो अपलोड करते हो, शॉर्ट अपलोड करते हो, वो ओनली आपका बच्चों से रिलेटेड है, यानी एज 18 से कम का, यानी ओनली आप चिल्ड्रंस के लिए, बच्चों के लिए जो वीडियो बना रही हो, कंटेंट बना रही हो, वो ओनली बच्चों के लिए बना रही हो, वो ओनली बच्चों के लिए ही है। तो आप अगर आप ऐसा कंटेंट बनाते हो, कभी भी आप कार्टून वगैरह, आपको किसी से कार्टून से रिलेटेड जब भी आप वीडियो बनाओ, बच्चों से रिलेटेड वीडियो बनाओ, तब आपको सिलेक्ट करना है इट्स मेड फॉर किड्स, क्योंकि इट्स मेड फॉर किड्स ही सही रहता है। इट्स मेड फॉर किड्स यानी यह कंटेंट बच्चों के लिए है, ओनली बच्चों को दिखना चाहिए। तो अगर आप इस इट्स मेड फॉर किड्स पर अगर वीडियो अपलोड करोगे क्लिक कर, तो वह कंटेंट जो भी जिसका चैनल यानी 18 से कम एज वालों का है, यानी ओनली कार्टून्स जो बच्चे वीडियो देखते हैं, उन्हीं के पास आपकी वीडियो यूट्यूब पर जाएगी, न कि वो हेल्पफुल लोगों के पास जाएगी, यानी 18 से प्लस एज वाले लोगों के पास जाएगी। फिर आपको आता है एक सेकंड नंबर पर ऑप्शन इट्स नॉट मेड फॉर किड्स, यानी नॉट इट्स नॉट मेड फॉर किड्स, यह बहुत ही यूजफुल होता है। क्योंकि जब भी आप कोई वीडियो अपलोड करो, मेरी जैसे वीडियो बनाती हो, कोई व्लॉग बनाती हो, कुछ भी आप बनाती हो लोगों के लिए जो हेल्पफुल है, आपको किसी का भी चैनल है, म्यूजिक का चैनल है, तो आपको हमेशा इट्स नॉट मेड फॉर किड्स पर ही आपको करके अपलोड करना है, नहीं तो आपकी वीडियो पर आपके जो शॉर्ट पर व्यूज नहीं आएंगे। तो यह फ्यूचर एक तरह आप जिस कैटेगरी सेलेक्ट करते हो चैनल की, व्लॉग का चैनल, म्यूजिक का चैनल, गेमिंग का चैनल, टेक्निकल का चैनल, उसी तरीके से जब आप वीडियो अपलोड करते हो तो आपको उसमें सेलेक्ट करना होता है कि आप किस कैटेगरी की वीडियो बना रहे हो। चैनल तो आपने सेलेक्ट कर लिया, और वहां आपको वीडियो सेलेक्ट करनी पड़ती है कि आप कॉन्टेंट बना रहे हो किसके लिए, यानी चिल्ड्रंस के लिए, बच्चों के लिए, या बड़े लोगों के लिए जो 18 प्लस एज के, उनके लिए कोई हेल्पफुल यूजफुल कोई चीज बना रही हो। तो आप जब भी अगर वीडियो बनाओ, मेरे जैसी वीडियो बनाती हो, आप बच्चों से रिलेटेड कोई कार्टून से रिलेटेड कोई टॉपिक पर वीडियो नहीं बनाते, तो आपको हमेशा नॉट इट्स नॉट मेड फॉर किड्स पर ही अपलोड करना है करके क्लिक, क्योंकि वही सबसे सही रहता है। तो अगर आप इसमें कुछ गलत सेलेक्ट कर देते हो, जैसे आपने वीडियो बनाई है कोई यूजफुल हेल्पफुल लोगों को जो काम आए, और आपने वहां सेलेक्ट कर लिया यानी है कंटेंट बच्चों के लिए, मेड फॉर किड्स के लिए, तो वह वीडियो आपकी नहीं चलेगी, उस वीडियो पर आपका व्यूज नहीं आएगा। तो आप जब भी कोई वीडियो बनाओ, कंटेंट बनाओ, आपको सोच समझ कर वो सिलेक्ट करना है, जिससे आपके लोगों के पास वीडियो जाए, जिन लोगों के लिए आप बना रहे हो यूजफुल वीडियो, हेल्पफुल वीडियो, उन लोगों तक आपकी वीडियो जाए, न कि आपकी वीडियो वो चिल्ड्रंस बच्चों के पास ही रह जाए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, आई होप कि आपको समझ आ गए होंगे इट्स मेड फॉर किड्स और नॉट इट नॉट मेड फॉर किड्स क्या होता है। तो वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब करना।